किसी शायर की मुझे दो पंक्तियां मुझे याद आती जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कि तेरे दर पर झुका हूं ऐ खुदा, कि तेरे दर पर झुका हूं ऐ खुदा, ये उसकी ही तालीम है, वरना तेरे सजदे में मेरा सर नहीं होता। महसूस करिएगा जब उन बातों को, जब आप छोटे थे और आपकी माँ जब आपकी उंगली पकड़कर उस दीवार पर उस रहनुमा भी उस भगवान के दरबार में आपको लेके गई, उस माँ ने आपको बताया समझाया कि ये मेरा अन्न का दाता, ये हमारा भगवान है, इसके सामने कुछ सर झुका। यदि वो माँ नहीं होती ना तो भगवान भी कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले माता पिता का स्थान है और हम भूलते हैं। और मेरे सुरचित एक पंक्ति मैं आपको देना चाहता हूं, मैंने जिंदगी में ना ही कोई व्रत किया और ना ही रखा कोई उपवास, नहीं किया कोई धर्म पुण्य का काम, बस रखा अपने माता पिता को अपने पास, बस रखा अपने माता पिता को अपना पास। सुनील जोगी जी की मुझे दो पंक्तियां याद आती है कि वो इंसान क्या इसमें स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या इसमें तान नहीं है, अरे मंदिर मस्जिद में मूर्त के सामने बैठकर भीख मांगने वालों, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, फिर हम क्यों नीचे गिर रहे हैं, शर्म की ओर क्यों नहीं गिर रहे हैं। ये हमारा वजूद है जो माता पिता हमें आगे बढ़ाते हैं, उसे करते हैं। आप कितने बड़े क्यों नहीं हो जाएं, बड़े से बड़ा क्यों नहीं हो जाएं, परंतु उस माँ के लिए तो आप छोटा ही रहेंगे। एक मनोहर राणा साहब की दो पंक्तियां मुझे याद आती है कि हर रोज लिपट के देख अपने दुश्मन से, कि हर रोज लिपट के देख अपने दुश्मन से, ये तजुर्बा कोई अपना नहीं बताता, कल देखा था मैंने मेरी माँ की आंखों में, ये आईना कभी बूढ़ा नहीं बताता, ये आईना कभी बूढ़ा नहीं बताता। मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हुए हैं मंच पे, इनको समर्पित करता हूँ कि बड़ी खुशनसीबी है कि अपना बोया फलका सके, कि बड़ी खुशनसीबी है कि अपना बोया फलका सके। करते रहते हैं बीपी की पूरी सब फरमाई से, एक बूढ़ी माँ का फूटा चश्मा नहीं बना सके। वही बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा तो मेरा फूटा हुआ चश्मा, मेरा फूटा हुआ ऐनक बना।